हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं, जो कई बार हम बात करते हैं, छेड़ते हैं नेगोशिएशंस की। और देखिए, नेगोशिएशंस हर साल बदलती हैं, तो हमेशा याद कीजिए 2021-22 कोविड का साल था। तो जब 2022 के प्रभाव से जब 23 स्टार्ट ही हुआ ना, तो बहुत सारे कॉलेजेस घबराए हुए थे, खासकर साउथ के या बंगाल के, बिहार के, राजस्थान के। और आपको बहुत डील्स मिली 2024 की शुरुआत से ही, मैं वो डील्स बहुत कम देख रहा हूँ। तो जहाँ तक मनी का नेगोशिएशन है, वो बहुत कम हो रहा है। पीपल आर एक्चुअली टेकिंग फुल मनी, अदर देन वही वो जो मध्य प्रदेश की सीटें थी, जहाँ पर 50-50 लाख की MRP लिखी हुई है। वो भी उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल सीट का 3 गुना बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, या महाराष्ट्र में 4 गुना हो जाता है, तो कौन देगा? तो दे हैव टू डू नेगोशिएशन। बट इस बार आपने बहुत कम सुना होगा तमिलनाडु पौंडेचेरी में नेगोशिएशन, बिकॉज हर एक कॉलेज की सारी सीट्स भर रही हैं। इस बार जो नेगोशिएशन मेन बची है, वो जनरली बची है जिन जगहों पे, जिन कॉलेज में बैंक गारंटी ली जाती है। जो बंगाल, हम पता है ऐसे रूल बैंक गारंटी का स्टेट है, प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान बैंक गारंटी का स्टेट है। तो उन बैंक गारंटीज़ को अगर आपको वेव ऑफ करवाना है, तो आपको बातचीत करनी पड़ती है डायरेक्टली या थ्रू कंसल्टेंट, जो भी आपके हैं। और इस साल अगर मैं 2024 की बात करूँ, तो ज़्यादा जो नेगोशिएशन हो रही हैं या जो मीटिंग हो रही है, डील हो रही है, इट इज़ ओनली टू वेव ऑफ बैंक गारंटी। और उसके बदले क्या क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब मनी को लेके आप बहुत ज़्यादा वो मैं सोची कि इस बार आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि डिमांड बहुत है मार्केट में, तो किसी को पैसा छोड़ने की ज़रूरत तो है नहीं। तो अगर हम ये सोचें कि पैसा छूट जाएगा हमें नेगोशिएशन से, तो वो नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा शायद अब शुरू होगा जब राजस्थान खुलेगा राउंड 3 में ओपन के लिए, जिसका एक आइडिया कल के रिजल्ट के बाद लगेगा। क्योंकि राजस्थान ने 5 लाख की डिपॉजिट लिया है, तो जो भी राउंड 2 में जिसको सीट मिलेगी, आई एम श्योर कि वो ज्वाइन करेगा, वरना 5 लाख डूबेंगे। ऐसे मध्य प्रदेश के NRI में 10 लाख का डिपॉजिट था, तो जब कल मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया है, तो जितने भी टॉप कॉलेज हैं सबके NRI सीट्स फुल हो गई हैं। 2-3 कॉलेज की ही बची हैं जो राउंड 3 में अवेलेबल रहेंगी। तो वो फिर आपको देखना है कि हाँ, जहाँ पर देखिए 40-45 लाख की MRP रखी हुई है, वहाँ पर सम स्कोप ऑफ नेगोशिएशन है। बट इस साल ब्रॉडली जहाँ पर भी फीस 30 लाख पर ईयर से कम है, आई थिंक पीपल आर रेडी टू पे फुल फीस। तो उसमें बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन का स्कोप हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो उसी के हिसाब से आप अपना प्लान बनाइए, एक्शन कीजिए। इंडिया में अगर उतनी फीस आपको नहीं परवरती है, तो चाहे आप BDS या आयुर्वेदिक जा सकते हैं, या अब्रॉड जा सकते हैं। नेपाल की नोटिफिकेशंस आ गई हैं, 1-2 अक्टूबर को शायद उनके लिए है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और 27-28 अक्टूबर को उनके लिए है जो बिना एग्ज़ाम दिए सीट लेने वाले हैं। तो बिल्कुल आप एटलीस्ट राउंड 3 तो देख सकते हैं आराम से, 4 भी देख सकते हैं, एंड देन यू कैन प्लान टू गो टू नेपाल, अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो। ओके, हैव अ नाइस डे बाबा। आप हमारा नंबर जानते ही हैं, 9643362320। पेड कॉल के लिए या पूरी हेल्प अगर आपको चाहिए, स्पेशली नाउ इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ द सीट्स। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।